23 अगस्त को हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 ने चांद की जमीन पर जिस जगह पर कदम रखा और आज भी जहां पर लैंडर विक्रम मजबूती से डटा हुआ है और हर दिन नए नए पैगाम और वीडियोस भेज रहा है, चंद्रयान 3 ने 3 दिन में ही अलग अलग वीडियोस भेजे हैं। हिंदुस्तान की चांद पर कामयाबी को देखते हुए दुनिया के कई मुल्क चांद पर पहुंचने की कतार में खड़े हैं। इसी कतार में जापान भी अपना मून मिशन 28 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्षेपित कर दिया गया है। हिंदुस्तान का मून मिशन अपनी पूरी रफ्तार से तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। लैंडर विक्रम ने प्रज्ञान रोवर का एक और नया वीडियो भेजा है। वीडियो में प्रज्ञान चांद की जमीन पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। विक्रम से कुछ मीटर दूर तक चलने के बाद प्रज्ञान टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान प्रज्ञान के दोनों पहियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये जो निशान है इसमें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ इसरो का लोगो भी छपा है। प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसकी परछाई भी साथ साथ आगे बढ़ रही है। ये पूरा वीडियो 32 सेकंड का है जिसे लैंडर विक्रम ने अपने कैमरे से फिल्माया है। 3 दिन के अंदर प्रज्ञान के 3 वीडियो सामने आए हैं। इन तीनों वीडियो में प्रज्ञान के लैंडर से बाहर निकलने और उसके चांद की सतह पर चहलकदमी करने तक का पूरा सीक्वेंस है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान लैंडर विक्रम से 26 मीटर दूर तक जा चुका है। अभी तक लैंडर विक्रम से लिया गया वीडियो ही सामने आया है। प्रज्ञान के कैमरे से लिया गया वीडियो सामने आना अभी बाकी है। All of us very happy to know the naming of those two sites, the Chandrayaan 2 landing site, which is now going to be called Tiranga, and Chandrayaan 3 landing site, which is now going to be known as the Shiva Shakti point. And not only that, he has also outlined what is vision for the generation of youngsters in this country to take up science, technology, engineering for making India a technology powerful nation in the future. लैंडर विक्रम अपनी जगह खड़ा है और रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर ने जिस जगह कदम रखा था, पीएम नरेंद्र मोदी ने उस जगह का नाम भी रख दिया। इसी के साथ साथ पीएम ने चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का भी नाम रख दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने का भी ऐलान कर दिया। जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाता है।